हाय एवरीवन, दिस इज कोरोबी। वेलकम टू मम्मा टियारा, जहाँ पे आप देखोगे कुछ फैशन से रिलेटेड वीडियोस, लाइफस्टाइल वीडियोस और फूड रेसिपीज के वीडियोस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी 24 आवर्स ब्यूटीफुल दिखने के लिए, क्योंकि ब्यूटीफुल दिखना हमारा हक है और बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में मैं बताऊंगी कि अगर घर पे अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आपको इंस्टेंटली कैसे आप उनके सामने ब्यूटीफुल दिख सकते हो, और मैं बात करूंगी कि घर पे किस तरह के ड्रेसेस आपको पहनना चाहिए, जिससे कि आप कंफर्टेबल भी रहो और सुपर स्टाइलिश भी दिखो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर। सुबह सुबह उठ के आप अपने बालों को कंघी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बाल हमारे खूबसूरती का बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा आप मेकअप करके नहीं रह सकते हो, पर अगर हमारे बाल और हमारे स्किन अगर अच्छे हो तो बिना मेकअप के भी हम अच्छे लग सकते हैं। तो वो आपको कर लेना है। और फेस की तो आप केयर करते ही हो, वो मुझे पता है। और तो सेकंड जो अगर हमारे फेस के बाद अगर कुछ सबसे ज़्यादा नोटिस होता है वो हमारे हाथ और पैर, और हाथ और पैरों के नाखून। आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी को नोटिस करते हो तो फेस के बाद आप उसके हाथ और पैरों को ही नोटिस करते हो, तो हाथ और पैरों के केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर नाखूनों की। नाखूनों को हमेशा साफ रखिए, क्लीन रखिए। अगर आप नेल पॉलिश लगाने के शौकीन हो तो नेल पॉलिश लगा के रखिए, अदरवाइज कुछ निकला हुआ है और कुछ रह गया है इस टाइप का नेल बिल्कुल मत रखिए। या तो नेल पॉलिश लगा के रखिए या फिर नेल को साफ रखिए, क्योंकि जब इससे क्या होता है, सामने वाले के ऊपर आपका ख़राब इंप्रेशन पड़ता है अगर आपके हाथ और पैरों के नाखून अच्छे ना दिखे तो वो बात आप ध्यान रखिए। कि अचानक जब घर पे मेहमान आ जाते हैं तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप इंस्टेंटली उनके सामने ब्यूटीफुल लग सको। और हमारे इंडिया में ज़्यादातर लेडीज़ घर पे सलवार सूट ही पहनते हैं, तो बस एक चुन्नी लेते हैं और हम फटाक से चले जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको चुन्नी को इस तरह से कवर कर लेना है। इससे क्या होगा, अगर आपने सूट थोड़ा सा ख़राब भी पहना है, क्योंकि हर टाइम हम टीवी सीरियल जैसे सज संवर के तो घर पे नहीं रहते हैं, तो वो कवर हो जाएगा आपका सूट। और इस तरह से बालों को खोल दीजिए, और अब काम आया ना आपका सुबह सुबह कंघी करना, तो इस तरह से आप इंस्टेंटली लुक चेंज कर सकते हो। और अगर आपके पास एक सेकेंड अभी टाइम ज़्यादा है, तो इस तरह से आपके पास ही कहीं पे आप एक लिपस्टिक ज़रूर रखिए, और इस तरह से होठों पे थोड़ा सा बस लगाइए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, और आपका लुक जो है वो इंस्टेंटली इस तरह से चेंज हो जाता है। और क्या पता मेहमान फर्स्ट अगर आपके घर पे आ रहे हो, और फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो बहुत ही मैटर करता है, तो इस तरह से आप इंस्टेंटली लुक चेंज कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि घर पे किस तरह के ड्रेसेस आपको पहनना चाहिए जिससे आप बहुत कंफर्टेबल भी हो और बहुत स्टाइलिश भी दिखो। क्योंकि घर पे स्टाइलिश दिखने से, घर पे अगर हम स्टाइलिश दिखे और कंफर्टेबल, साथ ही साथ अगर कंफर्टेबल भी रहे, तो इससे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ जाता है। तो घर पे भी स्टाइलिश रहना बहुत ही ज़रूरी है। घर पे स्टाइलिश दिखने के लिए इस तरह की कुर्ती आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको इतने लेंथ से प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ज़्यादा लेंथ का भी चूज़ कर सकते हो, जो कॉटन का है, सुपर कंफर्टेबल है। और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, 450 रुपये में मैंने ये लिया है। आपको अगर ना मिले तो आप इस तरह के कॉटन कपड़ा खरीद के भी सिलवा सकते हो, बहुत ही कम्फर्टेबल है। या फिर आप इस तरह के स्कर्ट और टॉप भी चूज़ कर सकते हो, जो बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये स्कर्ट मैंने लोकल मार्केट से लिया है, जो कॉटन का है, और ये मैंने 250 रुपये में लिया है। और ये जो टॉप है ये मैंने 200 रुपीज़ में लिया है, तो ये अफोर्डेबल भी है और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी है। तो इस तरह के आप चूज़ कर सकते हो घर पे पहनने के लिए, जो मैक्सी ड्रेस का कंफर्ट देता है, तो सुपर कंफर्टेबल है और अफोर्डेबल भी। तो इस तरह के आप चूज़ कर सकते हो।
या फिर आप इस तरह के शॉर्ट कुर्ती और साथ में प्लाजो भी चूज़ कर सकते हो। प्लाजो जो होते हैं, प्लाजोस बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं घर पे पहनने में, तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो। शॉर्ट कुर्ती अगर आपको अच्छा ना लगता हो तो आप थोड़े लॉन्ग जो कुर्तीज़ होते हैं वो चूज़ कर सकते हो, साथ में प्लाजो तो बहुत ही कम्फर्टेबल होता है, और इस तरह से आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको घर पे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, जैसे कि मेरी माँ को भी घर में साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है, तो इस तरह से कॉटन साड़ी आप चूज़ कर सकते हो। साथ ही में मैचिंग ब्लाउज़ आप चूज़ कीजिए, और प्रिंट थोड़े अच्छे हो तो ज़्यादा इस तरह के अच्छे लगते हैं। और इस तरह से भी आप, ये कॉटन की साड़ी है, वैसे मैं साड़ी नहीं पहनती तो ये साड़ी थोड़ी हार्ड है, ये धुलने के बाद ये इस टाइप की साड़ी बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, जो 300 रुपीज़ की है। इस तरह की साड़ी आप चूज कर सकते हो घर पे पहनने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। तो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसा लगता है। और साथ ही में अगर आप ऐसे वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ अगले कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।